शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सर थोड़ा पानी तो डाल दीजिए। और रहने दे यार, इतना पानी तो विस्की देख के मुंह में ही आ जाता है। अरे ये चूचे यहाँ कहाँ से आ गए? जरा लाइट ऑन कर। ओ द्विवेदी। हाँ जी सर। ओ देख क्या कौन है भाई? ओ देख। चल बैठ बैठ, अब बैठ जरा। ठीक तो तुम लोग? कौन थे वो लोग भाई? साहब जबरदस्ती का केस लगता है। यहाँ हॉस्पिटल कौन सा है नदी? ले चल यार, ले चल उठा। घबराओ मत मैडम, अभी आती ही होंगी। अरे मैडम जल्दी से निपटाइए इन्हें, लफड़े वाला केस है। वो हॉल की ट्यूबलाइट कब से बंद है, उसे ठीक करवाइए, जाइए। जी जी जी। तो अंदर चले, आइए चले। मॉर्निंग डॉक्टर। वो सब ठीक जी? ओ हुआ क्या, वो लड़की आपसे माफी क्यों मांग रही थी? ऐसी कोई बात नहीं है। और हाँ, ये दोनों खुद आ जाएंगे 2-3 दिन बाद पुलिस स्टेशन अपना बयान देने। सो ये रहा इनके घर का एड्रेस। वैसे अभी इस वक्त ये दोनों इस हालत में नहीं है कि आपके किसी भी सवाल का जवाब दे सके। वैसे डॉक्टर हमारे यहाँ ना लेडी इंस्पेक्टर भी है। इंस्पेक्टर, आई होप यू अंडरस्टैंड। नो प्रॉब्लम मैडम जी। और दिल्ली पुलिस इज सर्विस बाउंड, आई मीन सर्विस बाउंड जी। ओ कोई गल नहीं, ओ चलो पुत्र आओ भी।
देवी उठ जा अभी, ये कपड़े निकाल दे, अपने नहा ले। देवी उठ अभी। क्या देख रहा है तू? क्या हुआ है तुझे? सुन, कुछ सोच मत, मैं हूं ना, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ है तुझे। तो उठ, खड़ा ना, क्या अपन काम पे चलते हैं, अपन सब संभाल लेंगे। ये पट्टी घाव सब निकल जाएगा मेरे भाई, अपन फिर पहले की तरह। बस हो गया नाटक, भूल जा, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है, अपन काम पे चलते हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। तू उठ अभी, चल उठ जा, आजा। देवी, देवी उठना, thank you.
कहाँ तुम? हाँ, और इतना अंधेरा क्यों है यहाँ? इतने दिनों से कॉल पे कॉल कर रही हूँ, कॉल नहीं उठा रहे हो, कॉल बैक भी नहीं करते हो, प्रॉब्लम क्या है? ये ऐसे क्या हुआ? देवी, देवी एक्सीडेंट हुआ क्या? हाँ देवी, देवी तुम्हारे गले पे क्या हुआ है? कोई मुझे बताएगा ये हुआ क्या है? पुलिस को पता चला कौन थे वो लोग? पुलिस? हम पुलिस के पास नहीं गए। नहीं गए? पर क्यों संजू? रिपोर्ट तो दर्ज करवानी होगी ना? कोई नहीं सुनेगा संध्या, बोलूंगा क्या पुलिस से मैं कि हम उस रात लड़कियों के कपड़े में थे? पूछेंगे तो क्या बताऊंगा उन्हें? सच सच बताओगे? उस रात तुमने जो कुछ भी किया मेरे लिए किया, तुम पुलिस को भी वही बताओ? नहीं नहीं नहीं, मुझे अपनी परेशानी और नहीं बढ़ानी है। देवी की हालत तो देखो। तो क्या सारी जिंदगी इसी घर में रहोगे? हाँ, और उन लोगों का क्या जिन्होंने तुम्हारी और देवी की ऐसी हालत की है? उनकी गलतियों की सजा अपने आप को दोगे? चलो संजू, चलो हम पुलिस में जाते, वो समझेंगे। जी रिपोर्ट लिखवानी है, रेप अटेम्प्ट हुआ है, ये मेरे दोस्त हैं। रुकिए रुकिए रुकिए, एक सेकंड। ओ भाई द्विवेदी जी, ओ भाई जरा सविता मैडम को तो बुला दो। रूल है रेप और अटेम्प्ट टू रेप, भाई दोनों ही सिचुएशन में विक्टिम का बयान फीमेल सबॉर्डिनेट ही लेते हैं, क्या है ना जी, कंफर्ट बना रहता है। भाई हमारा क्या है, हम तो बैठे ही आपकी सहूलियत के लिए। हाँ जी, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो बताइए क्या लेंगी आप? नहीं कुछ, चाय शाय ठंडा वंडा मंगावा? हाँ जी। देखिए रेप अटेम्प्ट मुझ पे नहीं, इन पे हुआ है, ये मेरे दोस्त हैं संजू, और उस रात को ये ओ मैडम दिमाग खराब हो गया आपका, और रेप लड़कियों पे होता है और लड़कों पे नहीं होता। सर आप प्लीज, आप एक बार हमारी बात सुन लीजिए। ओ भी माफ करो यार, और जो चीज हो ही नहीं सकती, और कानून में लिखा है, और उस पे बहस क्यों कर रहे हो? कानून के साथ नहीं, मेरे साथ हुआ है। भाई चल दफा हो यहाँ से, और क्यों लिखाने तूने रिपोर्ट है? और यहाँ मजाक चल रहा है? और देखो मैडम जी, आप हमारे अच्छे नेचर का ना नजायज फायदा ना उठाओ जी। देखिए आप प्लीज बात समझने की कोशिश कीजिए, उस रात ये लड़की के कपड़ों में बाहर निकले थे और इसी वजह से। ओए दुर्फिटे मुंह, ओए तुझे शर्म नहीं आती है? बता बता क्या हुआ था तेरे साथ, ओ बोल। सर मैं और मेरा भाई देवी, हम लोग 15 अगस्त की रात को नजफगढ़ द्वारका रोड पे खड़े थे, मतलब सवारी का इंतजार कर रहे थे। फिर इतने में सर अचानक से एक वैन वहाँ पे आके रुकी, उसमें से कुछ लोग बाहर निकले और हमें गाड़ी के अंदर धकेल दिया। फिर क्या हुआ गाड़ी के अंदर? उन्होंने हमें बहुत मारा। दोनों को मारा? जी। और क्या हुआ, कहीं हाथ वाथ लगाया, कुछ फीलिंग हुई? सर उन्होंने हमारे कपड़े फाड़ दिए। तो रेप ही कर डाला? साहब रेप नहीं। आप प्लीज लेडी कांस्टेबल को बुलाइए। ओ जी लेडी कांस्टेबल क्यों, गायनाकोलॉजिस्ट भी बुला देता हूँ, और आप कहिए तो टू फिंगर टेस्ट भी करा देता हूँ। सर हमने बहुत कोशिश की लेकिन हमारे हाथ बांध दिए थे। फिर सर अचानक से वहाँ एक पुलिस की गाड़ी आ गई, जिसे देखकर वो लोग डर गए और हमें गाड़ी से बाहर फेंक दिया। सर देवी मेरा भाई, उसका सर एक पत्थर से जा टकराया, उसकी हालत बहुत खराब है। ओए तेरी माँ दी, ओए उस दिन तुम दोनों थे हॉस्पिटल में और हम समझ रहे थे। ओए उठ, ओए चल उठ, ओए लड़की के कपड़े पहन के कहता है रेप हुआ है तेरे साथ, ओए चल दफा हो यहाँ से। समझने की कोशिश। ओ मैडम जी आप तो बीच में ना ही बोलो जी, ओ यहाँ नौटंकी चल रही है, ओए चल निकल यहाँ से। आप बिना एफआईआर लिखे हम यहाँ से नहीं भेज सकते, काम है आपका हमारी मदद करना।
और हमें बताएगा हमारा काम क्या है। और द्विवेदी और बाहर निकाल इसे अभी। चल चल चल, हमारा काम सिखाएगा हमें ये, और बड़ा आया काम बताने वाला। और द्विवेदी सर, और मुबारक हो भाई, पैंचोर लौंडा हुआ है। जी सर, आपने मुझे बुलाया। हाँ बे, चाय पीनी है। चलो संजू, इस शहर में ये लोग अकेले नहीं है, चलो। मुझे घर जाना है। पर क्यों? चलो यहाँ से, ये सब चीज़ें कुरेद रही हैं मुझको। संजू, भाड़ में गए ये सब, ये एनजीओ पुलिस मुझे और मेरे भाई की हेल्प नहीं कर रहे हैं। मुझे इन सब में नहीं पड़ना, मैं नहीं चाहता कि मैं इनके सवाल जवाब के चक्कर में फंसूं। संजय शर्मा, आई एम सॉरी बट योर ब्रदर इज इन कोमा। कोमा में? लेकिन सुबह तक तो देवी बिल्कुल ठीक था, फिर अचानक से कैसे? उनकी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं। आई डोंट थिंक ये अचानक से हुआ है। इन माई ओपिनियन उनके सर के अंदरूनी हिस्से में ब्लीडिंग की वजह से क्लॉट्स डेवलप हुए हैं। वॉट इज इवन मोर ट्रबलिंग इज दैट हादसे के ट्रॉमा ने शायद उसे मल्टीपल क्लॉट्स में डेवलप कर दिया हो। तो अब क्या करेंगे हम? डोंट वरी, हम उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे और देखेंगे कि उनकी बॉडी मेडिकेशन को रिस्पॉन्ड करती है या नहीं। लेकिन अगर डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिले तो हमें सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। सुनो, एक सीनियर डॉक्टर से बात करी है मैंने, कल उन्होंने रिपोर्ट्स लेके बुलाया है। सेकेंड ओपिनियन लेना ठीक रहता है ना संजू? जब तक तुम देवी के साथ हो वो कहीं नहीं जा रहा है। अच्छा इधर देखो, इधर। अच्छा नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम है देवी, इसका नाम है संजू। देवी? अरे देवी तो लड़कियों का नाम होता है। इसका नाम देवश है, पर ये मुझे देवी बुलाता है। अरे वो नाक पे क्या नाक लगी है, देखो तो। चलो 1 2 3 चीज। सी, देवीज करंट मेडिकल सिचुएशन इज क्वाइट सीरियस। फ्रेंकली ऐसी हालत में पेशेंट का कोमा में जाना उसके सर्वाइवल चांसेस को ड्रास्टिकली ड्रॉप कर देता है। तो हम
कुछ और ट्राई नहीं कर सकते क्या? इट्स अ वेटिंग गेम, मुझे नहीं लगता इसे ज्यादा कुछ किया जा सकता है। योर ब्रदर स्टेटमेंट इज ऑल राइट, बट देवी जिस सिचुएशन में है वहां से ज्यादा ऑप्शन निकलकर नहीं आता। सब खत्म हो गया, सब कल तक सब सही था। मैं तुम देवी आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, साला कोई उम्मीद ही नहीं है। डॉक्टर्स देख रहे हैं ना, देवी को कुछ नहीं हुआ है। देवी नहीं बचेगा, वहां हॉस्पिटल में बिस्तर पे जो लेटा है वो देवी नहीं है, वो नहीं है, मैं नहीं हूं। बस मेरी वजह से मेरा भाई खोया, कहां ढूंढूं मिस्टर संध्या? दुनिया के लिए बड़े होते होते हम लोग बड़े हो गए, लेकिन एक दूसरे के लिए हम वही थे, बचपन वाले। हमारी कहानियां एक थी, हमारे राज हमारे झगड़े सब एक ही थे। ये दुनिया खा गई इसे, रात के अंधेरे में खो गया मेरा भाई, अपना सब धुंधला दिख रहा है। कितनी भी कोशिश कर लूं उसका हाथ छूटता जा रहा है। ये घाव दिख नहीं रहा लेकिन हर रोज गहरा होता जा रहा है। कैसे वापस लाऊं मैं उसे? काटने को दौड़ता है घर ये, अब मैं कहां जाऊं? खुद को समझा कि मैं थक गया हूं, कि सब ठीक है। असल में हम एक कैद में फंसे हुए हैं, वो कैद जो हमने खुद ही बनाई है, खुद को ही कैद करने के लिए। आज बहुत गर्मी है, तुम्हें नहीं लगता? रात दिन अंदर बाहर चलता है ये, ऐसा लगता है अभी कोई नोच रहा है। खुद से डरते भी है और खुद तक गुस्सा भी आता है, मन करता है सबको तोड़ दे। ये पुलिस डॉक्टर एनजीओ इन सबको हमारी बात सुनाई नहीं दे रही है। बहरों के शहर में रहते हैं, हमें चिल्लाना होगा संध्या, अगर इस कैद को नहीं तोड़ा तो हम टूट जाएंगे। पर मैं तो तुम्हारी आवाज सुन सकती हूँ ना, तुम और मैं हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हैं। मुझे कोई और इतना खुश नहीं रख सकता, मुझे हमारी दुनिया कैद नहीं रखती है। Thank you.
रात गए यहाँ क्या कर रही हो? ये जगह ठीक नहीं है बेटी, जाना कहाँ है? आगे ही मेट्रो स्टेशन है, मैं तुम्हें वहां छोड़ दूंगी, आ जाओ। सीधे ही घर जाना। क्या मच्छर सुने नहीं क्या? बम्बई, दिल्ली, मद्रास सभी जगह बड़े बड़े लोगों के घर पर घुस घुस कर मारा इन मच्छरों ने। फिल्म स्टार, नेता, डॉन किसी को नहीं छोड़ा। हाँ? कौन है वहां? अरे क्या हुआ? अरे कौन है? ओ मैडम जी, ओ क्या बात हो गई भाई? अरे सर ये वही लड़का है जिस पे रेप अटेम्प्ट हुआ था। क्या? ओ एक बार में तेरा मन नहीं भरा और जो दोबारा फिर मुंह उठा के चला आया। ओए चल दफा हो यहाँ से। ओए ओ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? ओ जाओ ओ मारो साड़े के पिछवाड़े पे। ओए खामा खा टाइम खराब कर रहा है और फिर तुझे मुंह बना के चला आया और देख क्या रहा लगा साड़े के पिछवाड़े तो। साड़े दोबारा मत दिखाई दियो और वरना न लड़का न लड़की बनने के काबिल छोड़ूंगा। क्या है? कौन है तुम? क्यों पीछा कर रहे हो? बोलो। एक सेकंड। मैंने देखा जो पुलिस स्टेशन में हुआ वो। मेरी बात सुनो, मेरा नाम विशाल रावत है, मैं एक रिपोर्टर हूँ। फोटो यहाँ से। तुम्हें मेरी जरूरत है, इधर चिल्ला कर कुछ नहीं होता। मैं सब तक तुम्हारी आवाज पहुंचा सकता हूँ। नया केसरी, डेली स्टैंडर्ड, तेज समाचार, बड़े बड़े न्यूज पेपर और न्यूज चैनल में मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ। पहचान सॉलिड है। अरे मैं कोई हीरो बनने का ट्राई नहीं कर रहा हूं, काम है मेरा। क्या बोलते हो? सुनो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कहानी दुनिया के सामने आए तो मुझे कांटेक्ट करना, ये मेरा कार्ड है।